everyone, welcome back to our new video. I am Shraddha Gupta, medical student in Russia. So guys, मेरे पास बहुत सारी queries आ रहे थे, जैसे कि कबार दिनों में admissions कैसे लूँ, और FMG passing ratio कितनी है आपकी university से दी, और भी बहुत सारी university से related कुछ भी queries आ रहे थे. तो guys, आज मैं आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ. Let's start our topic. So guys, सबसे first क्या है FMG passing ratio. लास्ट ईयर हमारे कॉलेज से 160 प्लस स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे 2023 सेशन में, जिसमें से 133 अप्रॉक्स स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए. उसमें से गाइस 43 अप्रॉक्स पास हुए, और रिमेनिंग जो बचे हैं उनमें, मतलब बहुत सारे बच्चे जो थे फर्स्ट टाइम था उनका, तो वो रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम दे कि हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट है, जैसा भी होगा जैसे मतलब सब देते हैं. और कुछ इश्यूज थे स्टूडेंट की, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज थी, जैसे कुछ की हेल्थ इशू आ गए थे, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स नहीं अपीयर हो पाए थे एग्ज़ाम में. तो गाइस, आप इस अनुसार से आप खुद परसेंटेज निकाल लो कि क्या रही होगी. इस साल बहुत अच्छी आई थी रेशियो फर्स्ट टाइम पे, और जो अभी जो जून में जो एग्ज़ाम होगा, आई होप इस कबार दिनों से भी अच्छी रिजल्ट आएंगी इस साल जून में भी. तो गाइज, 133 स्टूडेंट अपीयर हुए, जिसमें कि 42 स्टूडेंट पास हुए, और बाकी के जो बच्चे वो हेल्थ इशू या फिर बहुत सारे नहीं अपीयर हो पाए थे, क्योंकि कुछ के बहुत सारे इशूज़ आ रहे थे. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की बात आ रही थी. तो गाइज, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की. तो लास्ट ईयर जो है कबार दिनों बालकेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोसेस जो होती है रजिस्ट्रेशन की, वो मई मिडिल में स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बाद ही स्टार्ट होगी, या तो जून फर्स्ट वीक में होगी. हाँ, आप लोग को सुनने में आया होगा कि यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी एडमिशन ओपन करती है और बहुत जल्दी क्लोज भी कर देती है. नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब यूनिवर्सिटी क्लोज कर दी, एडमिशन नहीं हो पाया. लास्ट ईयर ऐसा था कि बहुत सारे बच्चों ने दूसरे के थ्रू एडमिशन लिया, और जब उनकी नहीं हो पाई डॉक्यूमेंटेशन, तो 15-20 डेज बच्चे जब आए तो उनकी नहीं हो पाई एडमिशंस. तो मेरा मेन फोकस ये है, आप वहाँ पे किसी के भी थ्रू एडमिशंस ले सकते हो. आप किसी को भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और यूट्यूब पे मैसेज कर दो, वहाँ पे आपको कोई भी एडमिशन करवा सकता है. लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आपका एडमिशन सेफ कौन करवा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से बहुत सारी दिक्कत आई है. ऐसा नहीं है आपका यहाँ पे बच्चे, मतलब एजेंट लोग जो होते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर फोटोज़ क्लिक करवा लेते हैं, लेकिन लिटरली उन्हें कुछ भी नहीं पता होता वहाँ के बारे में. मैं वहाँ पढ़ती हूँ तो मुझे पता है हर कुछ कि वहाँ का क्या है क्या नहीं है. तो गाइस, मैं आपको मेन फोकस यही करूँगी कि आप जिसके भी थ्रू एडमिशन लो, आप बस सेफ हो जाओ. और आपको ये भी सुनने में आया होगा लास्ट ईयर या फिर इसी साल के बहुत सारे बच्चे रिटर्न हुए. हाँ, रिटर्न हुए थे, उनके कुछ ज़्यादा इशू नहीं थी, यहाँ से गए, और वो उनकी जो वीज़ा की जो रिन्यू थी, टाइमिंग ड्यूरेशन जो थी उनकी, वो ना मतलब नहीं हो पाई उस टाइम पे. तो गाइस, वहाँ से यूनिवर्सिटी खुद ही इनविटेशन फिर से दी उन बच्चों को. उसमें से बहुत सारे बच्चे थे, फर्स्ट ईयर वाले भी थे, कुछ सेकेंड ईयर वाले भी थे, थर्ड ईयर वाले भी थे, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर वाले थे, सब थे. ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ हाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे ही थे उसमें. तो गाइस, ये कोई बड़ा इशू नहीं था कि हाँ बच्चे रिटर्न आए, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं था. बहुत स्मूथ प्रोसेस से हुआ, आए रिटर्न, वीज़ा लगवाए यहाँ से, फिर चले गए यहाँ से. बस मेरा मेन फोकस ये है कि आप जिसके भी थ्रू एडमिशन लो, आप सेफ लो. मैं बार बार आपको इसी पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एजेंट होते हैं इंडिया में, आपको कुछ भी बोलते हैं वहाँ जाकर के, आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, आप वहाँ पे फ़ोन करते हो, कॉल्स करते हो, तो उस टाइम पे हेल्प नहीं कर सकता है कोई भी. वहाँ के बच्चे भी नहीं हेल्प करना, वो बात अलग होता. हाँ, मैं भी हेल्प जितना हो सकता है इंसान वही करेगा, आप किसी के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हो, लेकिन नहीं हो पाता है. और लास्ट ईयर का कहानी था, जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी की सीट 250 होती है, समहाउ यूनिवर्सिटी ने 25 सीट्स और एक्सटेंड किए थे इंडियन के फोर्स, मतलब प्रेस करने पे कि हाँ थोड़ा और स्टूडेंट का इंक्रीज होना चाहिए, तो 275 सीट्स हुआ था. लास्ट ईयर 480 प्लस स्टूडेंट ने रजिस्टर करवाया था, जिसमें कि
वहाँ जो है बच्चे जो है वहाँ पहुँचे 230 अप्रोक्स बच्चे वहाँ पहुँचे, ठीक है। और जिसमें यूनिवर्सिटी 230 प्लस बच्चे पहुँचे वहाँ पे, बाकी जो रह गए 230 के अलावा, उन लोगों का के साथ यही हुआ था कि आप किसी के थ्रू भी एडमिशन ले लेते हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान वहाँ एडमिशन करवा ही देता है। तो गाइस आपको मैं फिर से यही चीज़ बताऊंगी कि आप जिसके भी थ्रू लो एडमिशन, आप सेफ वहाँ पे पहुँचो, सेफ डॉक्यूमेंटेशन करवाओ, हर कुछ अच्छे से हो जाए बस। थैंक यू। हर हर महादेव।